उसके बाद ही होगा, उसके बाद ही करिए ज्यादा अच्छा। नेक्स्ट थर्सडे सर, मॉर्निंग 8:30 ठीक है, बात करेंगे आप बात कर लीजिए उनसे। बिल्कुल सर, ठीक है सर। कश्मीर रिमेन्स स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द प्लेयर्स इन द रीजन। रेस्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर तो हमारा ही है, हमारे मुल्क का हिस्सा है, फॉर चाइना, फॉर पाकिस्तान एंड फॉर अमेरिका, फॉर ऑल द सेंट्रल एशियन पीपल और द रिपब्लिक्स देयर, जितने ये आसपास के इलाके हैं, ऑल ऑफ देम हैव एन इंटरेस्ट इन दिस, बिकॉज आई थिंक कश्मीर इज लुक्ड अपॉन एज अ सेंट्रल प्रॉब्लम हियर, इस इलाके के अंदर इट्स बीन कंसिडर्ड एज अ सेंट्रल काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। जो कुछ भी हो रहा है अफगानिस्तान में, इट इज राइट इन आवर प्रॉक्सिमिटी, बिल्कुल हमारे साथ लगा हुआ इलाका है वो, और दिस इज अ फैक्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटेजिक मैटर्स कि अगर एक किसी जगह पर कुछ ज्यादा इस तरह की मिलिट्री एक्टिविटी होती है तो उसका असर जो है वो एक रिपल इफेक्ट में जाता है अब बाहर बरूनी इलाकों में, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, बाकी हिंदुस्तान पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, कॉमन बॉर्डर है, LOC है, और पाकिस्तान की बाउंड्री अफगानिस्तान में है, और पाकिस्तान इतना डीपली इन्वॉल्व है अफगानिस्तान में, तो ये तो ऑटोमेटिक है कि एक गारंटीड चीज है कि जो असल जो टर्बुलेंस हो रहा है वहां पर उसका असर यहां जरूर आएगा। और हमें अंदेशा रहता है हर वक्त कि जब कल वहां से अमरीकन फौज और एलाइड फौज वहां से हट जाएगी अगर, तब क्या होगा, कितना कंट्रोल होगा अफगानिस्तान के मिलिटेंसी के ऊपर, और क्या गारंटी है कि वहां से जो मिलिटेंट हैं वो दोबारा 1991-92 की तरह फिर कश्मीर की तरफ तवज्जो नहीं देंगे। ये हमें हर वक्त फिक्र नहीं रहती है। सो आई एम नॉट एंटिसिपेटिंग एनीथिंग कि अभी कुछ स्टेबलाइज हो जाएगा सिचुएशन, क्योंकि अभी भी बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बना हुआ है इस पूरे इलाके में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्फिल्ट्रेशन रोकना निहायत जरूरी है आर्मी के लिए, और इससे ज्यादा जितने हमारे ट्रूप्स लगे हुए हैं, इससे ज्यादा हम ट्रूप्स लगा नहीं सकते वहां पर, क्योंकि लॉजिस्टिकली उनको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि इन्फिल्ट्रेशन तो चलता रहेगा, हालांकि मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि क्या नंबर्स होंगे, मगर काफी कॉन्फिडेंस है अपने ट्रूप्स में, अपने टैक्टिक्स में, अपने इक्विपमेंट में, कि इस पर हम ऐसा कंट्रोल जमाए रखेंगे जिससे कि इस इन्फिल्ट्रेशन से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मिलिटेंसी में इन द रेस्ट ऑफ कश्मीर। इस तरह से मैं देखता हूं उसको। एनीथिंग टू बी अब बताइए, देर आए दोस्त आए।